हमारे चैनल पर आप सभी का वेलकम है। आज हम डिस्कस करेंगे बाइनोमियल थ्योरम की प्रॉब्लम। इससे पहले हमारी ऐसे ऐसे क्वेश्चन पर ट्रिक बन चुका है जो आप लोग कभी सपने में नहीं सोचे होंगे कि ऐसा ट्रिक आपको मिलेगा। तो हमारी पुरानी वाली वीडियो आप लोग जाके देखिए, उसमें बेहतरीन ट्रिक आपको मिलेगी। ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो आप लोग को सॉल्व करने में टाइम लगती थी, वो आपको सेकेंडों में सॉल्व हो सकता है, जाके आप लोग देख सकते हैं बेहतरीन ट्रिक के साथ। आज हम कुछ नए क्वेश्चन के साथ आपको बताएंगे नया ट्रिक। तो देखिए, पहला जो क्वेश्चन है ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। लिखा कि इफ वन प्लस एक्स की पावर एन, ये आपका सी जीरो दिया है, प्लस आपका सी वन एक्स, प्लस आपका सी टू एक्स स्क्वायर, ये आपका डैश डैश दिया आपका है सी एन एक्स की पावर एन, देन हमें सी जीरो प्लस आपका सी वन अपान टू प्लस आपका सी थ्री अपान सी टू अपान थ्री, ये आपका दिया है डैश, ये आपका सी एन अपान आपका एन प्लस वन, इसकी वैल्यू हमें बतानी है। देखिए बहुत इजी तरीका हम बता रहे हैं, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा। देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ करिए पुट एन इक्वल टू वन, आप ले लीजिए, इसमें इस साइड रखिए, इस साइड रखिए, इससे हम कंपेयर करेंगे। यहाँ देखिए जब कंपेयर, यहाँ इसे रखिए एन, तो क्या हो जाएगा आपका, ये हो गया। और इधर देखिए क्या है, यहाँ देखिए वन प्लस एक्स है, तो इधर देखिए दो टर्म लीजिए आप, जहाँ आपका एक्स तक है, तो ये आपका क्या है जीरो, और ये आपका है सी जीरो, ये आपका सी वन एक्स। अब कंपेयर करिए इससे, बोथ साइड कंपेयर करिए, तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा सी बराबर, देखिए कांस्टेंट, ये आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर सी बराबर वन, और यहाँ पर आपका सी वन है, यहाँ भी इससे कंपेयर करें तो क्या हो जाएगा आपका सी वन इक्वल टू वन, ये आपका हो गया। अब देखिए ऑप्शन में ये देखिए जो आपका दिया है इसकी वैल्यू निकालनी, तो इसमें देखिए दो टर्म आप लीजिए, जो आपका इसमें निकला है देखिए क्या आपका है सी वन तक, तो इसमें देखिए आपका सी वन आपका है सी वन प्लस आपका सी वन अपान टू है, इसमें आप रख दीजिए, इसकी वैल्यू क्या है आपकी वन है, इसकी वैल्यू क्या है आपकी वन है, ये हो जाएगा आपका थ्री अपान टू। अब देखिए ऑप्शन में मान लीजिए हमने यहाँ पर एन बराबर वन रखा, तो आपका ये थ्री अपान टू आएगा, नहीं, इसमें रखिए, इस वाले सेकेंड वाले में रखिए, इसमें रखें तो क्या आ जाएगा टू की पावर, देखिए आपका एन प्लस वन है, तो इसमें रखिए क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका माइनस वन है अपान में आपका वन प्लस वन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एन प्लस वन है। तो ऊपर देखिए क्या हो जाएगा, ऊपर देखिए हो जाएगा आपका टू की पावर टू, और ये आपका माइनस वन अपान आपका टू, ये हो जाएगा फोर माइनस वन अपान आपका टू, ये हो जाएगा आपका थ्री अपान टू। तो ऑप्शन तो आपका ये सही है, इसमें देखिए आप रखेंगे ये टू की पावर एन प्लस वन दिया, तो ऊपर देखिए क्या आया था थ्री आया था, तो ये आपका होगा नहीं, नीचे तो टू आ जाएगा, लेकिन ये आपका आ जाएगा फोर अपॉन टू आ जाएगा, ये आपका नहीं हो जाएगा। इसमें देखिए तो ये भी आपका नहीं होगा, क्या पर ये देखिए आपका थ्री तो आएगा लेकिन अपान में आपको टू चाहिए, ये भी आपका नहीं होगा। ऑप्शन आपका ये वाला सही है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा। चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। ये देखिए आपका ये दिया है, आपका ये क्वेश्चन आपका यूपी टीजीटी 2009 का है। लिखा कि इफ वन प्लस एक्स की पावर एन, ये आपका दिया इक्वल समेशन, लिखा है एन आर इक्वल टू जीरो, ये आपका सी आर और एक्स की पावर आर दिया, तो इसको देखिए आपका ये दिया है, यहाँ देखिए इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है वन प्लस सी वन अपान सी जीरो और वन प्लस सी टू अपान सी वन, ये आपका डैश डैश दिया है, ये आपका वन प्लस सी एन अपान सी एन माइनस वन, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो देखिए देखिए इसका जो आपका होता है, इसका हमने प्रसार कर दिया, तो ये आपका बनेगा सी जीरो सी वन एक्स प्लस आपका सी टू एक्स स्क्वायर, ये आपका एन तक है आपका, तो एन तक यहाँ पर रहेगा, ओके, तो ये आपका हो गया। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ देखिए ये आप सेम वही तरह पुट करिए,
अगर देखिए दो ऑप्शन मिलेगा तो पहले क्या हम पहले एन बराबर वन रखते हैं, अगर दो ऑप्शन है तो एन बराबर हम टू रख सकते हैं, ठीक। तो एन बराबर वन पर अगर अगर आपका आ गया तो ठीक है, नहीं तो सिर्फ हम क्या रखेंगे एन बराबर टू पर रखेंगे। तो एन बराबर यहाँ पर हम वन लिया, तो यहाँ जब रखें क्या हो जाए, देखिए इस साइड इससे इक्वल है आपका है, तो देखिए सेम आपका पीछे अभी लगा था क्वेश्चन, यहाँ पर हो जाएगा इसकी पावर वन और ये हो जाएगा आपका सी जीरो और ये हो जाएगा आपका सी वन यक्स, ये आपका हो गया, हो गया आपका। अब इससे कंपेयर आप करिए, देखिए आपका सेम यहाँ पर कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका यक्स और ये हो जाएगा आपका सी जीरो, ये आपका इससे कंपेयर करिए मतलब कंपेयर करिए एक दूसरे से, एक साइड बोथ साइड से, ये हो जाएगा आपका सी, देखिए कांस्टेंट आपका ये लीजिए, ये हो सी जीरो आपका वन और इसके कंपेयर करिए यक्स से आपका है तो ये भी आपका क्या हो जाएगा वन, ये वैल्यू आपकी आ गई। अब इसमें देखिए इस वाले टर्म में खाली आप रखिएगा क्योंकि जहाँ आपका सी वन और सी जीरो है, तो देखिए क्या आपका सिर्फ हम यही लेंगे, तो यहाँ देखिए आपका क्या दिया है, यहाँ रखते हैं हम ये आपका वन प्लस सी वन अपॉन सी जीरो, अब इसमें रखिए आप, तो इसमें देखिए क्या आ जाएगा आपका, ये आपका वन, ये आपका वन अपॉन वन, तो क्या हो जाएगा आपका वन प्लस वन इक्वल टू आपका टू, इक्वल टू आपका टू आ गया, अब टू आ गया। अब ऑप्शन में देखिए कौन सा सही है, देखिए इस वाले में अगर वन रखते हैं तो ये आपका होगा नहीं क्योंकि वन वन की पावर ये आपका ये 100% नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर आप रखेंगे क्या हो जाए इसकी पावर इसकी माइनस वन करेंगे और ये देखिए आपका वन माइनस वन, तो नीचे देखिए आपका ऊपर भी आपका वन नीचे भी वन आ जाएगा, ये आपका होगा नहीं, यहाँ रखेंगे देखिए क्या हो जाएगा आपका, ये तो देखिए इसकी पावर क्या हो जाएगा जब यहाँ पर रखेंगे एन माइनस वन तो ये आपका जीरो आ जाएगा, इसकी पावर वन हो जाएगी और अपान में क्या हो जाएगा आपका जीरो हो जाएगी, तो ये भी आपका नहीं होगा। इसमें चेक करिए देखिए ये आपका दिया है, थर्ड वाले में देखिए ये आपका एन प्लस वन पावर देखिए आपका वन दिया, तो ये हो जाएगा आपका वन प्लस वन, ये पावर आपका वन और नीचे आपका फैक्टोरियल वन कर जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका टू अपॉन वन, ये हो जाएगा टू, तो ऑप्शन तो आपका यही सही है। ओके इसमें रखें देखिए आपका क्या हो जाएगा, ये टू की पावर टू हो जाएगी और अपॉन में आपका फैक्टोरियल वन हो जाएगा, तो ये ज़्यादा हो जाएगा आपका फोर हो जाएगा, तो आपका फर्स्ट ये थर्ड वाला ऑप्शन आपका सही है। ओके वीडियो अच्छी लगे तो भाई लाइक जरूर करिए आप लोग, चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। ये देखिए आपका ये है लिखा कि इफ वन प्लस यक्स आपका दिया है, पावर एन दिया है, ये आपका सी जीरो सेम जो पीछे था उसी तरह सेम आपका है, हमें देखिए इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, यहाँ देखिए आपका सी वन अपॉन आपका सी जीरो प्लस आपका टू, ये टू मल्टीप्लाई है और सी टू अपॉन सी वन ये आपका दिया है, यहाँ पर थ्री मल्टीप्लाई टू का नाम सी टू अपॉन सी टू दिया है, यहाँ सी टू अपॉन ये आपका थ्री है, यहाँ देखिए टू है तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा आपका, ये आपका थ्री है अपॉन आपका क्या है यहाँ पर सी टू हो जाएगा, ये आपका सी थ्री है। ओके तो यहाँ पर देखिए हमें इससे ज़्यादा मतलब नहीं, सिर्फ देखिए इसके इक्वल टू ये आपका दिया है, इसके इक्वल टू आपका ये दिया है, तो देखिए सेम वही तरीका यहाँ पर यूज करिए, यहाँ देखिए क्या है आपका है, ये आपका दिया है, यहाँ आपका सेम उतार लीजिए, इसके इतना ही उतारिए, ज़्यादा उतारने कोई आवश्यकता नहीं है, समय व्यतीत न हो एग्जाम में, आप अधिक क्वेश्चन करें तभी आपकी सफलता मिलेगी। ओके यहाँ पर आपका पुट कर लीजिए एन बराबर वन, तो पुट करें क्या आगे सेम आपका यही बनेगा, यहाँ वन रखें तो वन रहेगा, इसकी पावर कोई डिफरेंस नहीं होगा, तो ये आपका बना। इससे कंपेयर करें तो आपका सेम अभी जो आया था सी जीरो और सी वन की वैल्यू क्या आएगी, आपकी वन आएगी आएगी। अब देखिए इसमें जो आपका इसमें फर्स्ट टर्म लीजिए, यहाँ पर लीजिए ये हो जाएगा आपका सी वन और ये आपका जीरो और इसके इक्वल टू आपका यह है, हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये आप रखेंगे यहाँ पर देखिए आपका ये दिया है एन और ये आपका एन प्लस वन अपान आपका के, हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है। अब इसमें जो वैल्यू आप है इसमें रख दीजिए, यहाँ एन बराबर वन रखिए और यहाँ पर जो सी और सी वन क्या है वन पुट कर दीजिए, तो करेंगे देखिए क्या हो जाएगा आपका वन अपान वन हो जाएगा और इधर देखिए क्या हो जाएगा वन और ये हो जाएगा वन प्लस वन और इधर आपका के है तो हो जाएगा इधर वन और इधर क्या हो जाएगा आपका टू अपान के, तो के बराबर क्या आ जाएगा आपका टू, तुरंत मारिए फटाफट। ओके वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, तो देखिए आपका सॉल्व हो गया, ईजी तरीका है। ओके चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर, ये देखिए आपका नेक्स्ट ए वाला क्वेश्चन है जो आपका ये भी आपका टीजीटी में पीजीटी में आ चुका है 2013 में, यहाँ लिखा है कि आपका इफ वन प्लस यक्स सेम जो पीछे था वही आपका है,
हमें इसकी वैल्यू सी जीरो अपॉन टू और प्लस सी वन अपॉन थ्री और सी टू अपॉन फोर, ये आपका सी एन अपॉन एन प्लस टू, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए बहुत इजी तरीका ये भी है, यहाँ का आप यूज करिए, सेम आप उतार लीजिए, यहाँ पर दो टर्म यहाँ पर ले लीजिए, आपका सी जीरो कर दीजिए, ये आपका ये हो गया। अब यहाँ पर आप पुट कर दीजिए जो सम में आप करते थे, यहाँ पर हम एक ही रूल पर सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक, अलग अलग ट्रिक नहीं यूज कर रहे हैं, ठीक, तो एक ही क्वेश्चन पर एक ही ट्रिक पर सारे क्वेश्चन लग रहे हैं आपके हैं। तो देखिए आपका ये क्या हो गया, आपका यहाँ जब आप रखेंगे तो आपका देखिए सेम आपका आ गया जो पीछे आया था, अभी आपका ये एन पावर है, यहाँ देखिए आपका ये हो गया। कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, ये आपका सी जीरो और सी वन की वैल्यू क्या हो जाएगी, आपकी वन हो जाएगी। ओके, तो इसमें क्या करिए, जहाँ सी वन तक है यहाँ पर आप ले लीजिए, इतना इतना यूज करिए, ये हो जाएगा, यहाँ पर रखेंगे तो वन अपॉन टू आ जाएगा, यहाँ इसकी वैल्यू वन है, वन आपकी, इसकी भी वैल्यू वन है, ये आपका सेम आ गया, ये हो जाएगा आपका वन रखें तो वन अपॉन थ्री हो जाएगा, यहाँ देखिए क्या हो जाएगा आपका फाइव अपॉन सिक्स हो जाएगा, फाइव अपॉन सिक्स हो जाएगा। अब इसमें देखिए ऑप्शन में, अगर मान लीजिए हमने यहाँ पर एन बराबर वन रखा तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका थ्री, तो ये आपका 100%, ऊपर आपका क्या चाहिए फाइव, ये आपका नहीं होगा। यहाँ देखिए अगर मान लीजिए हमने क्या किया, यहाँ पर वन पुट कर दिया, ये कितना हो जाएगा आपका थ्री, और नीचे आपका सिक्स आ जाएगा, ये भी आपका नहीं होगा, ऊपर फाइव चाहिए। इसमें देखिए, इसमें देखिए मान लीजिए हमने क्या किया, वन पुट कर दिया, ये आपका वन हो जाएगा, इसकी पावर देखिए आपका टू हो जाएगी और ये आपका वन है, और नीचे देखिए आपका यहाँ पर वन रखेंगे और यहाँ पर वन रखेंगे थे, तो क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा टू मल्टीप्लाई थ्री, आपका सिक्स आ जाएगा, और ऊपर देखिए क्या करेंगे, क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा टू की पावर टू हो जाएगी प्लस वन, यानी आपका फाइव आ गए, तो ऑप्शन आपका ये थर्ड वाला आपका सही है। इसमें रख लीजिए ये आपका देखिए वन माइनस वन दिया, तो ये आपका 100% नहीं होगा क्योंकि जीरो हो जाएगा आपका, तो ऑप्शन आपका थर्ड वाला सही है। तो आज की वीडियो हमारी बस यही है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बेहतरीन ट्रिक के साथ। अगर चैनल पर नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेहतरीन ट्रिक लीजिए और एग्जाम में सफल होइए। अब जल्दी एग्जाम होगा, आयोग बनने वाला है, तो अगर बन गया तो जल्दी एग्जाम होगा, इसलिए आप लोग तेजी करिए एग्जाम में और हमारी का नाम है स्टडी करने में तेजी करिए और पढ़िए बेहतरीन से और हमारी वीडियो देखिए और बेहतरीन टिक लीजिए। आज की पूरी वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।